हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गोयल इंस्टीट्यूट में। आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 से रिलेटेड है, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज सेक्शन फार्मूला। व्हाट आई वुड लाइक टू से हियर, अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और अगर आपको ठीक लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। हाउएवर, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आर चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और टॉपिक का नाम है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले मीनिंग ऑफ सेक्शन समझना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में एक चीज़ समझाऊं कि सेक्शन का मतलब क्या होता है, तो सेक्शन का मतलब आप समझ लीजिए कि पार्ट्स होता है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे, तो मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है। अब एक लाइन है, इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1, 2, 3। अगर देखिए ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 है। सो व्हाट डज इट मीन, दैट इट मीन्स दैट दिस लाइन हैज़ 4 सेक्शंस। लाइकवाइज हम यहाँ पे देख सकते हैं AP, ये देखिए AP, एंड PB, ये देखिए PB। देयर आर 2 सेक्शंस इन दिस लाइन इफ आई कंसिडर लाइन AB। ये तो आपको पता ही है कि A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, 0, बिकॉज इट्स द ओरिजिन, और P के कोऑर्डिनेट्स हमने अज्यूम कर लिए हैं X और Y, और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं 36, 15। 36 belongs to x axis and 15 belongs to y axis. These are abscissa and ordinates respectively. यहाँ से हमें ये समझना पड़ेगा कि सेक्शन फार्मूला दो तरह से यूज हो सकता है। एक तो जैसा कि यहाँ पे देखिए आप कि हमारे पास M1 और M2 लिखा गया है, ठीक है, और दूसरा जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। इन ब्रॉडर सेंस इफ वी टॉक अबाउट इट, वी कैन से दैट इफ वी आर गिवन 3 कोऑर्डिनेट्स, एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स, जैसा कि यहाँ भी दिया है, ए दिया है, पी दिया है और बी दिया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं एरो मार्क कर रहा हूँ। तो मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो हम रेशो निकाल सकते हैं, और अगर हमें रेशोज दी गई हैं तो हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डज इट मीन दैट रेशो एंड कोऑर्डिनेट्स, क्या मतलब होता है इसका। तो चलिए समझते हैं। रेशो का मतलब होता है कि अगर हमें कोई चीज़ किसी पार्ट्स में डिवाइड करके दी गई है तो हम उसे बता सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक लाइन है जो कि यहाँ पे है, चलिए एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव दिस लाइन, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो ए है और बी है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं भी, नॉट नेसेसरीली इन बिटवीन, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है सी। तो अगर ये एक पार्ट है और ये दो पार्ट्स हैं, तो वी कैन से दैट ए बी इज डिवाइडेड इन द रेशो 1:2। तो जो वहाँ पे M1 और M2 लिखे गए थे वो रेशोज़ हैं, इज इक्वल टू 1:2। ये रेशोज़ का मतलब है। आई होप यू गेट इट। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, इसमें जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी। तो चलिए हम अपनी मेन स्क्रीन पे वापस चलते हैं। लीजिए, आ गए हम अपनी मेन स्क्रीन पे, और यहाँ पे जो पॉइंट पी है जो कि यहाँ पे है, ये हमें ये बताता है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ने एट पॉइंट पी ए बी लाइन को M1:2 रेशो में डिवाइड कर दिया है, ये बताता है। अब रेशोज़ क्या होती हैं, इनका यूज़ कैसे होता है, वो हम अभी बड़ी जल्दी समझ लें। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए, कोऑर्डिनेट्स हैं X1, Y1 एंड बी कोऑर्डिनेट्स हैं X2, Y2 इंटरनली इन द रेशो M1:M2 आर। तो मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट क्लासेस में आप एक्सटर्नल रेशो भी पढ़ेंगे, बट अभी हमारे जो करिकुलम में बात हो रही है वो इंटरनल रेशोज़ की ही हो रही है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे बात हुई थी पी पॉइंट ने X, Y जो कोऑर्डिनेट हैं जिसके, ए बी लाइन को
m1 is to m2 रेशो में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास केसेस बन जाते हैं। केस क्या है कि अगर हमें रेशो दी गई है यानी m1 और m2 दे दिए गए हैं तो हमें कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, ये पहला केस है। तो चलिए इसको लिखते हैं, केस वन, व्हेन रेशो इज गिवन एंड कोऑर्डिनेट्स आर टू बी फाउंड आउट। कैसे है ये देखते हैं। अभी इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला बना है जिसे हम स्पेशली सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। लेट्स सी वो क्या है। अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लाइन है हमारे पास ए बी और पी पॉइंट जो है उसे किन्हीं दो सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है, और मान लीजिए कि हमें रेशो दी गई है 1:2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 is to m2 क्या हो जाएगा 1:2, means m1 क्या है 1 है और m2 क्या है 2 है, whereas the given coordinates are always represented as x1 and y1। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये given coordinates हैं, x2 and y2 पॉइंट B के हैं, whereas P पॉइंट जो कि हमें ढूंढना है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होने चाहिए x, y। तो अगर हमें x ढूंढना है तो उसके लिए एक फार्मूला बना है, लेट्स सी दैट। तो चलिए अब हम केस वन के बारे में बात करते हैं कि जब रेशो गिवन है और कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। लेट्स सी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमें अगर x ढूंढना है तो इसका फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली हमें अगर y कोऑर्डिनेट भी ढूंढना है तो हमें उसका फार्मूला भी यही लिखना है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए अगर हमें रेशो विच इज m1 एंड m2 इज गिवन। और मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आप प्लीज़ याद रखिएगा कि इसे सेक्शन फार्मूला कहते हैं। थैंक यू, लेट्स सी दैट। चलिए दोस्तों हम अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, एनसीईआरटी से है, एंड द स्टेटमेंट गोज लाइक, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि हमें रेशोज दी गई हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम इसको एक डायग्राम की शेप में देखें तो कुछ ऐसा होगा, दिस इज़ द लाइन वी हैव, इसके एंड पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं ए एंड बी, ये हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं। फिर इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, -3 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8, 5। ये सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है। और फिर हम मान लेते हैं कि बीच में हमारे पास एक पॉइंट है, लेट्स से पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास एक्स और वाई, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये एक्स और वाई ही ढूंढने हैं। रेशो ज़रूर दी गई है 3 and 1, दीज ऑल थिंग्स आर गिवन टू अस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये रही डिस्क्रिप्शन, कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, लेट पॉइंट ए हैज़ कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एज 4, -3 एंड पॉइंट बी टू हैज़ कोऑर्डिनेट्स x2, y2 एज 8, 5 एंड द रेशो ऑफ द लाइन एट पॉइंट पी x, y इज 3:1, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया भी था, कुछ इस तरह से। और अगर अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें ये लिखना पड़ेगा बाय सेक्शन फार्मूला, तो ये रहे हैं वो फार्मूले जिनके बारे में हमने बात की थी आपसे कि x अगर कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि जो m1 और m2 हैं वो रेशो है, ये मैं बता भी देता हूँ आपको,
m1 should be equal to 3 and m2 should be equal to 1. ये बात का आपको खास ध्यान रखना है, अदरवाइज थिंग्स मे गेट कॉम्प्लिकेटेड. चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट्स सी. और अगर हम यहाँ से देखें कि x1 हमारे पास क्या है 4, y1 हमारे पास क्या है -3, ये सारे ये दोनों पॉइंट्स. फिर x2 हमारे पास क्या है 8 और y2 हमारे पास क्या है 5. वेयर एज जैसा मैंने आपको अभी बताया m1 क्या है 3 और m2 क्या है 1. राइट, लेट्स सॉल्व दिस नाउ. अब x इज इक्वल टू m1 x2, तो m1 क्या है 3 और x2 क्या है 8. वेयर एज m2 क्या है 1 एंड x1 इज 4 अपॉन m1 प्लस m2 विच इज 3 प्लस 1. चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास x कोऑर्डिनेट क्या आता है. 24 प्लस 4 बाय 4 विच कम्स आउट टू बी 28 बाय 4 इज इक्वल टू 7. सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट को लिख लेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. अब देखते हैं कि y क्या आएगा हमारे पास 15 माइनस 3 अपॉन 4 विच इज 12 बाय 4 विच इज इक्वल टू 3. अब हम फाइनली आंसर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर 7, 3 आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स विच डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन द रेशो 3:1 एंड दैट्स द रिक्वायर्ड पॉइंट, और यही हमारा आंसर है. थैंक यू. अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे और देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है. देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए -6, 10 एंड बी 3, -8. इससे पहले हमें सेक्शन फार्मूला का दूसरा केस समझना पड़ेगा जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमें रेशो निकालनी है, जो कि हमारे पास केस बनता है व्हेन एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, आइदर एक्स और वाई. और अगर दोनों दिए हैं तो यूज़ तो इनमें से एक ही होगा, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कम से कम एक्स या कम से कम वाई हमारे पास गिवन होना चाहिए. बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हम देखेंगे. लेट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो सेक्शन फार्मूला है वो ये है, m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2. मान लीजिए हमारे पास x कोऑर्डिनेट गिवन है, क्योंकि जैसा मैंने बताया एक ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको. तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिवाइडिंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर विद m2. ध्यान दीजिएगा m2 कह रहा हूँ मैं. उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमें लिखना है लेट m1 / m2 इज इक्वल टू k. ये हमने अज्यूम किया है. अब देखते हैं कि यही फार्मूला हमारे पास किस शेप में चेंज होगा. लेट्स सी. अब आप ये देखिए कि हमारे पास ये फार्मूला है. अब मैंने आपको बताया है कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद m2. तो m2 अगर मैं न्यूमरेटर को डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे m2 लिख दूँगा. आपको पता होना चाहिए कि जब हम डिवाइड करते हैं तो सभी टर्म्स को वो चीज़ मिल जाती है, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म्स को m2 मिल जाएगा. आई होप इट्स क्लियर. इसके बाद जो डिवाइड होता है उसे डिवाइड कर देते हैं. देखिए m2 और m2 गए, और यहाँ पे हमारे पास m2 और m2 गए, और हमने बोला था कि m1 / m2 क्या है, k है. तो अब हम अगर फार्मूला लिखेंगे तो हमारे पास जो x आएगा वो आएगा k x2 + x1 / k + 1. याद रखिएगा हमारे पास k की वैल्यू आएगी इवेंचुअली, एंड दैट विल बी द आर रिक्वायर्ड रेशो. ठीक है, क्योंकि वो क्या है, k क्या है, m1 / m2 है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. हम अगर फटाफट से एक बार रिवीजन कर लें इसकी, कि हमारे पास केस क्या है, जब कम से कम एक कोऑर्डिनेट दिया गया होगा, ठीक है, आइदर x और y,
तो अगर मान लीजिए x दिया गया है तो m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, हमने यहाँ पे किया कि let m1 upon m2 is equal to k, उसके बाद हमारे पास क्या है x is equal to, जो कि हमें करना है dividing numerator and denominator with m1, m2, एंड m2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो m1 अपॉन m2 बन जाएगा, इवेंचुअली ये k बन जाएगा, m2 से m2 डिवाइड हो जाएगा। इस केस में यहाँ पे भी m1 अपॉन m2 डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं और m2 और m2 डिवाइड हो जाएगा इस केस में भी। फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास आएगा फाइनली k1 kx2 प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन। चलिए अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एक बार क्वेश्चन करते हैं, कोशिश कीजिए इसको खुद से ट्राई करने की, अगर आपको दिक्कत आती है तो ऑफ कोर्स वीडियो तो है ही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पहुँचने से पहले एक बार हम वाई वाला भी लिख लेते हैं, सेम केसेस आएंगे के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन, और मैंने आपको बताया था कि के की वैल्यू निकलेगी जो कि इवेंचुअली हमारी रेशो होगी। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द पॉइंट माइनस फोर कॉमा सिक्स डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स माइनस सिक्स एंड टेन एंड बी बी पॉइंट है थ्री कॉमा माइनस ए। चलिए अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसा कि हम मैंने क्वेश्चन के बारे में सारा लिख लिया है, ए पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन हो जाएंगे, ये बी पॉइंट एक्स टू कॉमा वाई टू हो जाएंगे, और ये जो माइनस फोर और सिक्स है इसे हम एक्स और वाई मानेंगे, और यही हमारा एक्स और वाई सेक्शन फार्मूला जिसमें हम रेशो ढूंढते हैं वो हमें हेल्प करेगा रेशोज़ को फाइंड आउट करने में। अब मान लीजिए कि मैंने x कोऑर्डिनेट ही यूज़ करना है, ठीक है जी, अगर मैंने x कोऑर्डिनेट यूज़ करना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, वैल्यूज़ डाल लेते हैं, k की वैल्यू हमें ढूंढनी है, जो x है मैंने अभी आपको बताया है वो माइनस फोर है, k मुझे पता नहीं है, x2 मेरे पास 3 है प्लस x1 मेरे पास माइनस सिक्स है अपॉन के प्लस वन है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा मैं, तो देखिए माइनस फोर कॉमा के प्लस वन इज इक्वल टू थ्री के माइनस सिक्स विच कम्स आउट टू बी माइनस फोर के माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री के माइनस सिक्स, राइट। तो देखिए जगह बहुत है हमारे पास, तो हम इस इधर ही सॉल्व कर सकते हैं, k की वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे जो कि होगा 3k प्लस 4k और दूसरी तरफ आएगा माइनस फोर प्लस सिक्स जो कि हमारे पास आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 7k। मैंने आपको बताया था कि हमें k की वैल्यू ढूंढनी है जो कि आएगा 2 अपॉन 7 क्योंकि 7 इस साइड पे आ जाएगा, तो देयरफोर हम ये लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेशो क्या है, रिक्वायर्ड रेशो है 2:7। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्टूडेंट्स को रेशो निकालने में दिक्कत आती है, कोऑर्डिनेट्स तो वो फिर भी ढूंढ लेते हैं, याद रखिएगा रेशो के लिए हमें के फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो कि सेकंड केस है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट गोज़ लाइक दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो मेन की पॉइंट क्या है, हमें कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं यानी एक्स और वाई ढूंढना है ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो याद रखिए कि हमारे पास ट्राइसेक्शन आ चुकी है, सेक्शन फार्मूला तो हम कर ही रहे हैं, तो ट्राइसेक्शन, बाईसेक्शन, क्वाड सेक्शन, पेंटा सेक्शन, ऐसे करके सेक्शंस होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर बाईसेक्शन और ट्राइसेक्शन पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे टेंथ लेवल तक। साथ में उन्होंने ट्राइसेक्शन की डेफिनेशन भी दे दी है, दैट इज़ पॉइंट्स डिवाइडिंग इन थ्री इक्वल पार्ट्स, किसे, एक लाइन को, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। सो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक लाइन है, उसके एंड पॉइंट्स ए हैं और बी हैं,
कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2, -2 होंगे, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -7, -4 होंगे, ठीक है। और हमारे पास ट्राई सेक्शन है, ट्राई सेक्शन मतलब तीन पा। अच्छा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ट्राई सेक्शन मतलब तीन पार्ट्स या फिर तीन पॉइंट्स। तो याद रखिएगा हम लाइन को ट्राई सेक्ट कर रहे हैं, लाइन को ट्राई सेक्ट करना मतलब हमें तीन पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड करना है, एंड दैट इज़ 3 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए मैंने जैसे कि यहाँ पे लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, लेट्स से ये मेरे पास सी पॉइंट है और ये मेरे पास डी पॉइंट है। डी पॉइंट को मैं थोड़ी देर बाद लिखूँगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए, फिर हम इसके ऊपर दोबारा आएंगे। अब मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट जो है सी पॉइंट है, ये समझाने के लिए है सिर्फ, अदरवाइज़ आपको डी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए मैं लिख ही देता हूँ। तो मान लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट इंस्टेंस पे हमारे पास क्या हैं, x, y। अब आप ये देखिए ट्राइसेक्ट है, तीन इक्वल पार्ट्स हैं, तो रेशो क्या है, 1, 1 और 1। और मान लीजिए अगर मैं कंसिडर सी पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, डी पॉइंट मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर डी पॉइंट मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा, ये 2 पोर्शंस हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर द रेशो इज़ गोइंग टू बी, यानी m1:m2 इज़ गोइंग टू बी 1:2 फॉर पॉइंट सी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसे। और अब हमें साफ साफ पता है, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, रेशो है, कोऑर्डिनेट्स हैं, और हमें रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ढूंढना है जो कि सी का है, x, y। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि हमें रेशो ढूंढनी है, सॉरी रेशो गिवन है तो कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो फॉर्मूला सिंपल लगेगा, x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, राइट। और ये हम अभी सी पॉइंट की बात कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिएगा, तो ये देखिए ये अपन ने फॉर्मूला लिख लिया है और अब जस्ट इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दे ही रहा है कि x1 जो है वो 2 है, x2 जो है वो -7 है, और m1 है और m2 है। यहाँ हमने फॉर्मूले लिख लिए हैं, मैं यहाँ पे ये चीज़ भी लिख लेता हूँ कि x1 हमारे पास क्या है और x2 हमारे पास क्या है। ये 2 है और ये -7 है, जैसा कि हम अभी बता के आए हैं। एंड ऑफ कोर्स m1 1 है और m2 2 है। तो सिंपली हमें अब वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन 1 + 2, इसे सॉल्व करके आएगा -7 + 4 / 3 विच कम्स आउट टू बी -3 / 3 विच कम्स आउट टू बी -1। एंड फॉर y वी कैन राइट इट, y1 है हमारे पास -2 एंड y2 जो है हमारे पास वो है 4। कंफर्म कर लेते हैं, -2 and 4, यस ऑफ कोर्स। एंड द रेशो इज गोइंग टू बी सेम, 1, 2। सो m1 1 है और m2 2 है। अब फटाफट से इसको फॉर्मूले में लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन 1 + 2 इज इक्वल टू 4 - 4 / 3 विच कम्स आउट टू बी 0 / 3 विच कम्स आउट टू बी 0। देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ c इज -1, 0, ठीक है जी। c पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास। इस पे हम इस चीज़ को मेंशन भी कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि पता तो होना चाहिए, -1, 0। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कंसिडर करते हैं कि d एग्जिस्ट नहीं करता, अब मान लेते हैं कि c एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर c एग्जिस्ट नहीं करता a और d की क्या रेशो बन जाएगी, 2, और d और b की क्या रेशो बन जाएगी, 1।
इसको मैं आपको यहाँ पे एक नई लाइन के साथ शो करता हूँ और एक बड़ी ही अच्छी चीज़ बताऊँगा आपको, द मिड पॉइंट फार्मूला जो किसी क्वेश्चन में यूज़ होगा। लेट्स सी। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए अब मुझे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो वो एक्स कॉमा वाई है और यहाँ पे रेशो क्या है, 1:1। ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर द रेशो इज़ 1:1 वी विल अप्लाई द मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, आपको बहुत ध्यान रखना है इसका और बहुत ही ज़्यादा आसान होता है क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला के हिसाब से m1 और m2 दोनों ही 1 बन जाएंगे। तो मान लीजिए मुझे x कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो m1 क्या है, 1, छोड़ दो उसे, तो x2 प्लस m2 क्या है, 1, तो x1 अपॉन 1+1। तो कोऑर्डिनेट जो आएंगे x के या x का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x1+x2/2। सिमिलरली बाय मिड पॉइंट फार्मूला y जो है वो लिखा जा सकता है y1+y2/2। तो ये है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला, क्वाइट हेल्दी, क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको समझ में आ जाए ये चीज़ की कैसे बनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी तरह से हो सकता है, दूसरी तरह से भी हो सकता है, रेशोज़ का रूल लगा के भी हो सकता है, बट जहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लग जाए टाइम बहुत बचता है एंड टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द एग्जामिनेशन। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो कि मिड पॉइंट x1 और x2 हमें यहाँ से मिल जाएगा, y1 और y2 भी मिलेगा और रेशो तो 1:1 हो ही गई है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा बना लिया है, आई होप आपको पता चल रहा होगा। ए पॉइंट्स जो है वो मैंने लिखे नहीं है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये m1 है और ये m2 है और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये भी 1 और ये भी 1। तो x का जो फॉर्मूला लगेगा x1+x2/2, हेयर एज x1 क्या है -1 और x2 क्या है -7। तो हम लिख भी सकते हैं -1 -7/2 -8/2 = -4, वेयर एज y को हम लिखेंगे y1+y2/2 और y1 क्या है हमारे पास, ये देखिए 0 और वहाँ पे क्या है 4, तो 0+4/2 = 4/2 = 2। तो d के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो -4, 2 आए हमारे पास, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -4, 2। तो ये हमने किससे किया, ये मिड पॉइंट फार्मूला से किया है और हम इसे यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, राइट। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए अभी। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि ट्राइसेक्शन है और आप कोऑर्डिनेट्स ढूंढ दीजिए, हमने कोऑर्डिनेट्स ढूंढ दिए और मैंने जैसे आपको बताया है कि रेशोज़ कैसे ढूंढते हैं, दैट इज़ क्वाइट एन इफेक्टिव मेथड। इसमें मिड पॉइंट फार्मूला भी लग रहा है, रेशोज़ को भी हमने देख लिया है और कोऑर्डिनेट्स तो हमने सिंपल फार्मूला लगा के कर ही लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड द रेशो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले तो हमें रेशो ढूंढनी है, वेरी गुड, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ढूंढना है कि कोऑर्डिनेट्स भी ढूंढने हैं। तो लेट्स सी, इसको एक ग्राफ की शेप से समझते हैं कि कैसे करना है। तो देखिए जैसा कि हमारे पास गिवन था ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो चलिए एक छोटा सा हम अब ग्राफ बनाते हैं, आपको दिख रहा होगा ये ग्राफ। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस कहाँ पे है। सो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, आई होप दैट्स क्वाइट एविडेंट एंड क्लियर। तो यहाँ पे मैं y डैश लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं x डैश लिख लेता हूँ और ये ओरिजिन आ गया है हमारे पास। अब देखिए कि हमारे पास x एक्सिस का पॉजिटिव 5 कहाँ पे आएगा, ये 1 है,
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे 5 है, और माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, तो ये यहाँ पे है। तो इसके कोऑर्डिनेट समवेयर हेयर 5, -6, वैसे भी हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और दूसरा क्या है, -1, -4, एक्स एक्सिस का -1 है और वाई एक्सिस का -4 है, तो ये कहीं यहाँ जाके मिल जाएगा -1, -4। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बनाना इतना नीटली ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो चलिए अब हम करते हैं कि एक लाइन को मिलाते हैं और देखते हैं वाई एक्सिस इसको कहाँ पे डिवाइड कर रहा है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं, ये देखिए अगर मैंने इस लाइन को मिला लिया है तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहा है, ये हमें अगर एक्स का नहीं वाई का नहीं भी पता तो एक्स तो कम से कम ज़ीरो है ही है, क्योंकि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हेयर एक्स इज गोइंग टू बी ऑलवेज ज़ीरो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस y axis is dividing the line segment, therefore the x coordinate will be zero. जैसे ही आप ये लाइन लिखेंगे तो हमारे पास x coordinate क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और उसी के साथ हम फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, k फॉर्मूला। यस एब्सोल्यूटली राइट, क्योंकि हमें रेशो ढूंढनी है, k x2 प्लस x1 अपॉन के प्लस 1। ठीक है जी, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। तो और क्योंकि y पे y एक्सिस पे कट हो रहा है तो x क्या बन जाएगा हमारे पास, 0। तो ध्यान दीजिए k हमें निकालना है, x2 हमारे पास -1 है, प्लस x1 हमारे पास 5 है, इसके बाद k प्लस 1 आ गया। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पूरा का पूरा इधर जाएगा और ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा सब कुछ ज़ीरो बन जाएगा। ज़ीरो बनते ही माइनस के प्लस 5 आ जाएगा, के को उधर ले जाइए, के इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो जो होगी वो क्या होगी, 5:1। आई होप I have made myself clear. अब उन्होंने क्या बोला है कि also find the point of intersection. इसका मतलब x तो पहले ही ज़ीरो था और अब y ढूंढना है हमें, y ढूंढ लेते हैं। Let's see how do we do it. जैसे कि हमारे पास x का फॉर्मूला था k x2 plus x1, अब हम y का फॉर्मूला लिख लेते हैं m1 y2 plus m2 y1 upon m1 प्लस m2। देखिए पहले रेशो फार्मूला लगा, यानी k फार्मूला, अब हमारे पास लगा है सेक्शन फार्मूला प्रॉपर जिसमें हम कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं। तो y इज इक्वल टू m1 क्या है, 5, और y2 हमारे पास यहाँ पे है -4, वेयर एज m2 1 है और y1 हमारे पास क्या है, -6, और उसके नीचे 5+1 आ जाएगा। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो -20, -6/6 आ जाएगा, विच इज़ -26/6 आएगा, विच इज़ -13/3 आ जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा और 2 से कटेगा और यहाँ 13 आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। सो हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा -13/3, एंड द कोऑर्डिनेट वेयर वाई एक्सिस कट्स इज 0, -13/3, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है हमारा वहाँ पे चलते हैं। तो लीजिए जी, 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ गई है आपके पास। इफ़ द पॉइंट्स a 6.1, b 8.2,
C 9,4 and D P,3 are the vertices of a parallelogram. तो parallelogram यहाँ पे important है. Taken in order, find the value of P. तो ध्यान दीजिएगा हम कैसे करें. याद रखेंगे यहाँ पे क्योंकि हम coordinate geometry कर रहे हैं और ये geometry के साथ ही included है क्योंकि related है I should say. और 2D geometry के हमें rules पता होने चाहिए. इसी तरह से हमें parallelogram के rules भी पता होने चाहिए. Let's see. तो देखिए अब हम एक parallelogram draw कर लेते हैं. ये देखिए ये हमने एक parallelogram draw कर लिया है. इसके coordinates अब हम लिख लेते हैं जो कि हमें given है. ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये D है. ये 6,1 है, ये 8,2 है, ये 9,4 है एंड ये P,3 है. इज इट ओके? अब ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है. आप देखिए कि आपको ए डी इज इक्वल टू बी सी दिख जाएगा बिकॉज ओपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, और भी बहुत तरीके से हो सकता है. हम डायगनल्स को बाइसेक्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है या पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन दोनों डायगनल्स का सेम होता है, उस तरीके से भी किया जा सकता है. सो देयर आर मेनी वेज थ्रू विच दिस क्वेश्चन कैन बी डन. मेरे कहने का मतलब है इट कैन बी डन बाय द डिस्टेंस फार्मूला, इट ऑल्सो कैन बी डन बाय द सेक्शन फार्मूला और द मिड पॉइंट फार्मूला. क्योंकि हम सेक्शन फार्मूला वाले तरफ से क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैं आपको ये सेक्शन फार्मूला की हेल्प से करके दिखाऊंगा. ध्यान दीजिए मैं अब एक डायगनल ड्रॉ करने जा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि डायगनल एक्चुअल में है क्या. ये देखिए, ठीक है, पार्डन माय ड्राइंग. तो अगर आप ये देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ पर है. और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रूल होता है, वैसे भी आपको पता होगा कि ये जो कॉमन पॉइंट है ये दोनों तरफ सेम आएगा. सो हम इसको बोल देते हैं x, y. अब आप देखिए इंटरेस्टिंग होने वाला है काम. तो अब आप देखिए कि अगर मैं ए और सी को कंसिडर करूं तो हमें पता है, यहाँ हम लिख भी देंगे कि डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other. ठीक है, इसका मतलब क्या है, रेशो 1:1 आ गई अगर वो bisect करते हैं. तो AC जो है हमारे पास वो यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ये चीज़ आ गई. ठीक है, अब हम यहाँ पे by midpoint formula हम लिख सकते हैं कि x1 + x2 / 2, राइट. तो क्या आएगा AC अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 6 + 9 / 2 विच इज 15 / 2. आई होप दैट इज क्लियर. और याद रखिएगा ये हमारा x पॉइंट है. ठीक है जी, ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है आपको. इसी तरह से हम अपना y पॉइंट निकाल लेते हैं, पर वो निकालने से पहले मुझे ये देखना है कि क्या मुझे y पॉइंट की ज़रूरत भी है या नहीं है. आप ये देखिए कि जब मैं यहाँ से, मेरा x2 इज़ नॉट अवेलेबल वेयर एज x1 इज़ अवेलेबल, और मैंने x पॉइंट के साथ ही दोनों रिलेट हो रहे हैं तो मुझे तो y की ज़रूरत ही नहीं है. तो अगर मैं देखिए, जैसे कि इफ़ आई कंसिडर लाइन BD, कंसिडरिंग लाइन BD बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, BD में क्या करेंगे, BD में हम करेंगे x = x1 + x2 / 2. तो देखिए हमारे पास x क्या आ चुका है, 15 / 2 आ चुका है. ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 15 / 2 इज इक्वल टू x1 मेरे पास क्या है, b का x1 क्या है 8 और d का x2 क्या है p. ठीक है जी, तो देखिए
8 प्लस पी डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इनको कट करेंगे, ये देखिए ये और ये कट हो गए, सो 15 माइनस 8 इज इक्वल टू पी, तो पी इज इक्वल टू 7 एंड दैट इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू वी हैव। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई इशू है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई डेफिनेटली ट्राई एंड सॉल्व इट। फिर भी कोई अगर और भी कोई दिक्कत आती है, वी कैन कंडक्ट अनदर सेशन। हाउएवर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है, कोई इशू है ज़रूर बताइएगा, वी विल सॉल्व इट। टिल देन थैंक यू सो मच, नमस्ते, जय हिंद।